दोस्तों वीवो लॉन्च कर दिया वीवो V20 फ़ोन को इंडिया में। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M51 और वीवो V20 फ़ोन का बारे में। ये दोनों फ़ोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर है और क्या अंतर है दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन में, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रही है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन में। तो पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M51 फ़ोन में डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें नॉच देखने को नहीं मिलता है, छोटा सा एक पांच होल दिया गया है। एस्पेक्ट रेशो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशो दिया गया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो का बात करें तो 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिल जाता है। और इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और यहाँ पर बात करें तो वीवो V20 फ़ोन, इसमें डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है, इसमें पांच होल देखने को नहीं मिलता है, इसमें छोटा सा एक नॉच दिया गया है। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 90.37% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं दिया। तो डिस्प्ले में यहाँ पे बाजी मार लेता है सैमसंग गैलेक्सी M51 फ़ोन। इसमें डिस्प्ले साइज भी बढ़ा दिया गया है, पांच होल भी देखने को मिल जाता है और गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और ये दोनों फ़ोन का कैमरा का बात करें तो गैलेक्सी M51 फ़ोन में क्वाड रियर कैमरा दिया गया है, जो प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर का साथ में दिया गया है। वो जो सेकेंडरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का F2.2 अपर्चर का साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है। और जो टार्ट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का F2.4 अपर्चर का साथ में मैक्रो लेंस दिया गया है। जो फोर्थ कैमरा है 5 मेगापिक्सल का F2.4 अपर्चर का साथ में डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। इसमें 4K वीडियो देखने सपोर्ट मिल जाता है, LED फ्लैश दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो वीवो V20 फ़ोन, इसमें ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है, जो प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का F1.9 अपर्चर का साथ में दिया गया। वो जो सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का F2.2 अपर्चर का साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया। वो जो टार्ट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का F2.4 अपर्चर का साथ में मोनो कैमरा दिया गया है, मोनो लेंस दिया गया है। इसमें भी 4K वीडियो देखने सपोर्ट मिल जाता है, LED फ्लैश दिया गया है। दोनों फ़ोन का सेल्फी कैमरा का बात करें तो गैलेक्सी M51 फ़ोन में 32 मेगापिक्सल का F2.0 अपर्चर का साथ में पांच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो वीवो V20 फ़ोन, इसमें 44 मेगापिक्सल का F2.0 अपर्चर का साथ में सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों फ़ोन का सेल्फी कैमरा में कोई LED फ्लैश नहीं दिया, LED फ्लैश देखने को नहीं मिलता है। दोनों फ़ोन का कैमरा में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, रियर कैमरा थोड़ा सा बेहतर रहेगा गैलेक्सी M51 फ़ोन में और सेल्फी कैमरा थोड़ा बेहतर रहेगा वीवो V20 फ़ोन का। दोनों फ़ोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो गैलेक्सी M51 फ़ोन में क्वालकॉम का प्रोसेसर दिया गया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है। इसका क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz क्लॉक स्पीड पर चलता है। GPU का बात करें तो एड्रोनो 618 GPU दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो वीवो V20 फ़ोन, इसमें भी क्वालकॉम का प्रोसेसर दिया गया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया। इसका क्लॉक स्पीड है 2.3 GHz क्लॉक स्पीड पर चलता है। GPU का बात करें तो एड्रोनो 618 GPU दिया गया। दोनों प्रोसेसर का प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का बात करें तो दोनों प्रोसेसर 8 नैनोमीटर पर आधारित है, 8 नैनोमीटर पर चलता है। दोनों फ़ोन का परफॉर्मेंस में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों फ़ोन में ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, सेम परफॉर्मेंस दिया गया, थोड़ा सा बेहतर हो सकता है गैलेक्सी M51 फ़ोन का परफॉर्मेंस। दोनों फ़ोन का वॉइस यूज़र इंटरफेस का बात करें तो गैलेक्सी M51 फ़ोन में एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है और साथ में UI 2.1 दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो वीवो U20 फ़ोन, इसमें एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है और साथ में फ़ोन टच 11 दिया गया है। दोनों फ़ोन का वारंट का बात करें तो गैलेक्सी M51 फ़ोन दो वारंट पे अवेलेबल है, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में बेस्ट वारंट आता है। जो हायर वारंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। और यहाँ पे बात करें तो वीवो V20 फ़ोन, ये फ़ोन भी दो वारंट पे आता है, जो बेस्ट वारंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। जो हायर वारंट है
8 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में आता है। दोनों फ़ोन में अलग से मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड अलग से लगा सकते हैं दोनों फ़ोन में। और ये दोनों फ़ोन का बैटरी का बात करें तो गैलेक्सी M51 फ़ोन में 7000 mAh का बैटरी दिया गया। और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 25 W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें तो वीवो V20 फ़ोन, इसमें 4000 mAh का बैटरी दिया गया। और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 33 W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो बैटरी पर यहाँ पे बाजी मार लेता है गैलेक्सी M51 फ़ोन, और फास्ट चार्जिंग पर बाजी मार लेता है वीवो V20 फ़ोन। दोनों फ़ोन का USB कनेक्टर का बात करें तो दोनों फ़ोन में USB Type-C 2.0 देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन में Type-C दिया गया। दोनों फ़ोन का ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो 5.0 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन में 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया गया। दोनों फ़ोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो दोनों फ़ोन में फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। गैलेक्सी M51 फ़ोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। साइड में जो पावर बटन है, पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो वीवो वी ट्वेंटी फ़ोन, इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। दोनों फ़ोन का सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फ़ोन में डुअल 4G सिम वोल्टेज मिल जाता है। दो 4G सिम एक ही साथ में यूज़ कर सकते हैं। दोनों फ़ोन का बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन का बात करें तो दोनों फ़ोन में काफ़ी अच्छा बढ़िया डिज़ाइन दिया गया। क्लासिक फिनिशिंग के साथ बैक दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी M51 फ़ोन में। इसमें ग्लास बैग देखने को नहीं मिलता है, प्लास्टिक बैग दिया गया है ग्लासिक फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाता है। फ्रेम साइड में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो वीवो V20 फ़ोन, इसमें ग्लास बैग देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा बढ़िया डिज़ाइन दिया गया है। और फ्रेम साइड में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो डिज़ाइन पर यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन थोड़ा सा बेहतर रहेगा यहाँ पे वीवो V20 फ़ोन का। दोनों फ़ोन का प्राइस का बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M51 फ़ोन अभी जिस प्राइस पर अवेलेबल है वही प्राइस बता रहा हूँ। इसका जो बेस्ट वारंट है 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। इसका प्राइस है 24,999 rupees पर अवेलेबल है। और इसका जो हायर वारंट है 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। इसका प्राइस है 26,999 rupees पर अवेलेबल है। और यहाँ पे बात करें तो वीवो V20 फ़ोन, इसका जो बेस्ट वारंट है 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। इसका प्राइस है 24,990 rupees पर अवेलेबल है। इसका जो हायर वारंट है 8 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। इसका प्राइस है 27,990 rupees पर अवेलेबल है। दोनों फ़ोन का अवेलेबिलिटी का बात करें तो गैलेक्सी M51 फ़ोन ये अमेजन पर अवेलेबल है और samsung.com पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो वीवो V20 फ़ोन, ये फ़ोन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और ये फ़ोन vivo.com पर भी अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। वीवो V20 फ़ोन, ये फ़ोन कल ही लॉन्च हुआ है, इसका सेल अभी तक नहीं हुआ है। ये 20 अक्टूबर को इसका फास्ट सेल होने वाला है। प्री बुकिंग के लिए अभी फ़िलहाल अवेलेबल है vivo.com पर और फ्लिपकार्ट पर प्री बुकिंग कर सकते हैं। तो वस्तु तो यह था कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स वीवो V20 फ़ोन का और सैमसंग गैलेक्सी M51 फ़ोन का। आपको दोस्तों इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर लगा और कौन सा फ़ोन आप परचेस करना चाहोगे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये दोनों फ़ोन का कन्फ्यूज का बात करें तो इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर रहेगा सैमसंग गैलेक्सी M51 फ़ोन। इसमें 2-3 चीज़ बढ़िया दिया गया। यह चाइना का ब्रांड नहीं है, इसमें भी आप लोगों को डिपेंड करता है, यहाँ पे भी डिपेंड करता है ये ब्रांड पर। तो ये सैमसंग का जो फ़ोन है ये तो आप लोग को पता ही है चाइना का ब्रांड नहीं है, और वीवो का जो फ़ोन है ये चाइना का है, ये आप लोगों को तो पता ही है चाइना का ब्रांड है। तो यहाँ पे ब्रांड पर भी डिपेंड करता है। गैलेक्सी M51 फ़ोन में इसमें 2-3 चीज़ बढ़िया देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसमें बढ़िया डिस्प्ले दिया गया है, 5 इंच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, ये 2 रीज़न है। और इसमें आप लोगों को बढ़िया बैटरी मिल जाता है, 3 रीज़न है। और इसमें रियर कैमरा काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, ये 3-4 रीज़न मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें तो वीवो V20 फ़ोन, इसमें भी 2-3 रीज़न दिया गया, जैसे कि इसमें आप लोगों को सेल्फी कैमरा काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, ये 1 रीज़न है। इसमें डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा बढ़िया देखने को मिल जाता है, ये 2 रीज़न है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ये 3 रीज़न है वीवो V20 फ़ोन के तरफ जाने का। इसका प्राइस भी थोड़ा सा कम है, 2000 rupees कम प्राइस में मिल जाता है।
वीवो V20 फ़ोन, और यहाँ पे बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M51 फ़ोन, इसमें 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग 8GB वारंट ले रहे हो तो 8GB 120GB इंटरनल स्टोरेज का वारंट परचेस करने वाले हैं तो ये 27,000 पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे बात करें तो वीवो V20 फ़ोन ये 25,000 में देखने को मिल जाएगा, परचेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर रहेगा सैमसंग गैलेक्सी M51 फ़ोन। ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छा बढ़िया चाहिए, आपको क्लासिक फिनिशिंग चाहिए, बढ़िया सेल्फी कैमरा चाहिए, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए, तो आप जा सकते हैं यहाँ पे वीवो V20 फ़ोन के तरफ। अगर आपको बढ़िया बैटरी चाहिए, बढ़िया डिस्प्ले चाहिए, पांचोल डिस्प्ले चाहिए, रियर कैमरा बेहतर चाहिए, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 फ़ोन के तरफ। आपको कौन सा फ़ोन बेहतर लगा और कौन सा फ़ोन आप परचेस करना चाहोगे, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, और हो सके तो अपना ही टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं डालूँगा आप लोगों को मिलते रहेगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए, ताकि वहाँ पर भी आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।